Hello. Hi. नमस्कार। 16 मई 2020 की शाम और कुछ दिनों के अंतराल के बाद हम आपके सामने वापस हैं। और सच मानिए, मैंने मिस किया आप लोगों को। वो जो एक रूटीन हो गई थी कि हर शाम को आप सबसे मिलना 7 बजे और 7 से 7:30, 7:45 का जो समय साथ में बिताते थे, आदत हो गई थी हमें भी। अब ये रियलाइजेशन बाद में हुई कि उसके लिए कितनी प्रिपरेशन होती थी, तो ये जानने को तब मिला जब सडनली उस दिन अगर प्रोग्राम नहीं हो रहा था, हाय ध्रुव ज्योति, जस्ट लेट मी नो इफ आई एम लाउड एंड क्लियर। सो सडनली रियलाइजेशन केम कि ओ माय गॉड, मैं न्यूज़ देख पा रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ बैठ पा रहा हूँ, अदरवाइज माई रिसर्च वुड स्टार्ट एट 5 एंड बिटवीन 5 to 7 आई विल बी लॉक्ड अप इनसाइड द रूम डूइंग रिसर्च टू कम लाइव टू सी ऑल ऑफ यू। सो वो समय थोड़ा फ्री हुआ और एक कंटिन्यूटी होती है तो वो टूट गई। तो आज मैं, यू रिमेम्बर हाउ मेनी ऑफ यू प्ले क्रिकेट, सो वेयर टू टेक स्टैंड्स, तो आज मैं वापस स्टैंड्स ले रहा था, लाइक थिंकिंग फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट एंड ऑल। सो वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस इंटरेस्टिंग सेशन आई वुड से, एंड द सेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, जिस चीज़ की हम बात करने वाले आज, ये है कि ये जो लॉकडाउन है इसकी इम्पैक्ट क्या हुई है, और हम कुछ आज के दिन में कुछ स्पेशल ऑडियंसेस की बात करने वाले हैं। एंड व्हेन आई से स्पेशल ऑडियंसेस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 स्पेशल ऑडियंस जो आई एम श्योर आप सबके यहाँ भी हैं। बट बिफोर आई गो देयर एंड बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, यू विल नो हरारी, हिस्टोरियन, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलम, थैंक यू ध्रुव ज्योति, यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलम, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री यूवल नोआ हरारी, उन्होंने बोला कि जो दिमाग है इंसान का वो लेजी है। वाई लेजी? बिकॉज कॉम्प्लेक्स चीजें समझने में इसको टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी समझने को समय लगता है। सो टू नॉट गेट इन टू द कॉम्प्लेक्सिटी, द ह्यूमन माइंड इज रेडी टू एक्सेप्ट अ कंस्पिरेसी थियोरी। फटाक से एग्जाम्पल, टुडे मॉर्निंग वाइल बाइंग डार्क चॉकलेट फ्रॉम अमूल, सामने से फायर ब्रिगेड की बड़ी लंबी सी बस आ रही है, लाल रंग की बस होती है ना, फायर ब्रिगेड की बड़ी बस आपने देखी होगी। उस बस को 8 o'clock इन द मॉर्निंग एक एर्टिगा जो सामने से आ रही थी उसने बहुत जोर का धक्का मारा, मतलब बस ऐसे आ रही थी, बस ने राइट टर्न लिया, बस गई अपने डिपो के अंदर में, और इधर से जैसे डिपो में एंटर हो रही है, एक एर्टिगा ने आके बहुत तेज धक्का मारा, गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड से पूरी तरह से क्रश जैसी लग रही थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सुबह सुबह कैसे हो सकता है। तो जब हम बात कर रहे थे तो मैंने किसी आदमी को बताया कि अभी अभी ऐसा वाकया हुआ, तो उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि वो ड्राइवर ना वो शराब पिया हुआ होगा। तो मैं बोला नहीं यार, सुबह सुबह 8 बजे शराब पी करके। फिर ये रियलाइजेशन हुई, हाय मुकेश जी, गुड इवनिंग, अर्चना जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड इवनिंग। मैंने बोला सुबह सुबह, तो ये जो एक सोच है ना, जैसे आज बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली मुझे, और आई वाली सुबह सुबह देखी कि ट्रक में इतने सारे लोग 2 ट्रक की टक्कर में मारे गए, वहां भी लोग फटाफट बोल देते हैं कि हाय मंथन, गुड इवनिंग, कि शराब पिया था इसलिए अटैक हो गई। इसी तरह से जिस जो हम अगले दिन एक पीछे बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो वायरस के पीछे कंस्पिरेसी थ्योरी लेके चल रहे हैं, बट आप उनसे पूछे कि वायरस कैसे काम करता है, दे हैव नो क्लू। सो टू गेट इन टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वायरस कैसे काम करता है, इससे ज्यादा अच्छा है ये समझना कि उसने फैला दिया, उसने भेज दिया। ह्यूमन माइंड, बी केयरफुल ऑफ इट, लेजी बाई नेचर, डजेंट वॉन्ट टू थिंक। कमिंग बैक टू टूडेज टॉपिक, तो हाई मंथन, उम्मीद है अहमदाबाद में
सिचुएशन इम्प्रूव हो रही होगी, कैसी है आप कमेंट करके बताएं। और अर्चना जी, ध्रुव ज्योति, मुकेश जी, आप भी अपने अपने जो सिचुएशन है आपके यहाँ डेवलप हो रही है बिल्कुल बताएं, हाउ इज द सिचुएशन डेवलपिंग एट योर एंड। सो द सिचुएशन टुडे इज दैट, मैं एक न्यूज आइटम पढ़ रहा था कि जो वर्किंग वुमेन है, जो पहले ऑफिसेज में काम करते थे, अभी सबको घर से काम करना पड़ रहा है। तो अच्छे खासी अर्निंग वाले लोग, जिनके घर में एक कुक होता था, एक ड्राइवर होता था, एक मेड आती थी साफ सफाई करने, फिर एक कोई क्लीनर होता था जो बाकी चीजों की सफाई करता था, कोई एक ये माली होता था जो कि पौधों को पानी देता था, चार पांच लोग के घर को चलाते थे, बड़े घर को, पैसे वाले लोगों के घर को। अब वहां सब गायब। नतीजा ये कि आप चाहे जितने बड़े भी ऑफिसर हो या कितने बड़े हुक्मरान हो, आपको अभी सारे काम खुद से करने पड़ रहे हैं। तो जीरो डोमेस्टिक हेल्प, स्पेशली इन द रेड जोन एरिया, जहां पे अभी गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया, रिस्ट्रिक्शन अभी भी चल रहे हैं। अभी हम ही अपने यहाँ का डेटा देख रहे थे तो नमस्कार पुष्कर भाई, कैसे हैं आप? 7 लोग हैं जो कि 1 किलोमीटर के रेडियस में अभी 24 घंटे में पाए गए कोविड पॉजिटिव। तो ये सिचुएशन है, हमारे 10 किलोमीटर के रेडियस में 80 लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। तो जब भी मैं ये डेटा अपने कुछ मित्रों से शेयर कर रहा था, तो उन्होंने बोला, जो दिल्ली में हैं, उन्होंने बोला कि उनके 10 किलोमीटर रेडियस में तो 1000 लोग हैं। तो सिचुएशन जो है वो बड़ी तेजी से एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही। तो आप सब लोगों से मेरा बहुत वापिस रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 अवॉइड करें बाहर जाना। तो अभी जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके ऊपर अभी जो वर्किंग वीमेन है, उनके ऊपर क्या डिमांड आ गया कि घर का काम और ऑफिस का काम दोनों एक साथ ही आ गए। हाँ, ऑफिस का काम तो चल ही रहा था, अभी ना कुक आ रही है ना मेड आ रही है, तो अभी घर का काम भी उनको करना पड़ रहा है। तो सडनली उनकी जो वर्कलोड है वो बहुत बढ़ गई। इसमें मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा सुप्रिया शेट्टी जी को भी। अब सुप्रिया शेट्टी जी को तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं, वो बैंक में काम करती है और आज भी बैंक गई है काम करने के लिए, तो उनका भी एक अनुभव अच्छा होगा सुनने का। तो सुप्रिया, अगर आप सुन रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट करें कि आपके लिए इस लॉकडाउन के मायने क्या रहे। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं उसको जानने और सुनने के लिए। मंथन बोल रहे हैं जस्ट ब्लेमिंग अदर्स। ये देखिए, हमारी फितरत है, हमारे दिमाग की फितरत है कि हम कॉन्स्पिरेसी में जल्दी विश्वास करते हैं, बशर्ते कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने जाएं। थैंक यू पापा फॉर ज्वाइनिंग। Yes, we will try to stay safe. Manthan likh rahe hain, situation is bad. I stay in red zone. Hospitals are full. No bed left in government hospitals. Government have arranged and prepared private hospitals and approved them to treat COVID-19 patients, costing 6 to 8 lakhs each. Oh my God. Nowadays, they are giving medicines for 10 days to patients and leaving them at home. मैं सरप्राइज नहीं हूं मंथन, करीब करीब यही सिचुएशन मुंबई में भी न्यूज़ पे, ट्विटर पे, टाइम्स में रिपोर्ट हो रही है। जो हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो रही है, तो लोगों को एक टेम्परली बिल्ट हॉस्पिटल्स में रखा जा रहा है, जहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये है सिचुएशन, और अभी हमने सबसे बुरे दिन नहीं देखे हैं। तो अपनी जो मोरल है उसको एकदम बूस्टअप करके रखिए, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, हम स्ट्रेस कैसे कैसे कम करना उसकी भी बात करेंगे। बट थैंक्स फॉर द अपडेट मैन, आई हैव बीन गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम अहमदाबाद, बरखा जी की रिपोर्ट भी देखी थी। तो चिंतित हैं हम आप सबके लिए, सुरक्षित रहिए। तो हम बात कर रहे थे जो ऑफिस गोइंग होम मेकर्स हैं, उनकी लाइफ में कैसे चैलेंजेस बढ़ गए, और दूसरी तरफ से हाय अंचल, हाय गौतम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और दूसरी तरफ से जो लोग जॉइंट फैमिली में हैं, ऑलरेडी होम मेकर हैं, जैसे हमारे यहाँ ही, अभी उनके यहाँ किस किस तरह के, हमारी जॉइंट फैमिली है तो वहां पे तो हस्बैंड है, फिर ससुर साहब हैं, फिर सासू माँ हैं, फिर ब्रदर इन लॉ हैं, और बच्चे भी हैं। तो उन सबका जो, और सबके सब बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, लोग काम पे जाते थे, अभी सब लोग वहीं बैठे हैं लगातार, तो वो भी एक अलग तरह की स्ट्रेस है। हाँ, और सबकी डिमांड भी होगी कि थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए, थोड़ा ये बन जाए, तो ये अलग स्ट्रेस लेवल है जो बढ़ी है। हालांकि हमारे यहाँ एक और चीज, आज की रिसर्च में एक डेटा जो मुझे निकल के आई कि हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना, बड़ा लोप साइडेड स्ट्रक्चर है।
अब मैं क्यों बोल रहा हूँ लोपसाइडेड स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अच्छा नायक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नायक जी बोले लॉकडाउन शोन मी 2040 सिचुएशन। वाह क्या बात है, कैसे आपने अनुभव किया 2040 कैसा होगा, आप बताएं जरा नायक जी। गुड इवनिंग सोमा मंडल जी, स्वागत है आपका। आज का सेशन जो है वो होम मेकर्स के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ होम मेकर्स ज्वाइन हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग, अगर आपके होम मेकर बहुत बिजी ना हो तो उनको बुला लें हमारी वार्तालाप में, कुछ और भी लोग शामिल हो जाएं। तो इंडिया में जो मैंने बोला लोप साइडेड स्ट्रक्चर है ना, ये क्यों बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो दुनिया भर से डेटा इकट्ठा करती है। तो उन्होंने जो डेटा इकट्ठा की है कि एक तो पहले उन्होंने बोला कि आज कमल हासन जी का भी इंटरव्यू आ रहा था कि औरतें जो है वो अनपेड काम करती हैं, खासकर जो होम मेकर्स होती हैं। मेरी मैडम भी सुन रही होंगी, सैलरी बढ़ेगी उनकी, तो मैडम भी सुन रही होंगी कि औरतें जो घर में काम करती, कौन सा काम, कुकिंग, क्लीनिंग, केयरिंग फॉर एवरीवन, हाइजीन मेंटेन रखना घर का, कपड़े धोना, घर के लिए जरूरी के सामान लेके आना, ये सब तो उनका काम है पूरी तरह से। इसके लिए क्या उनको पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। इसको कमला हासन जी बोल रहे हैं और OECD भी बोल रही है कि दिस इज अनपेड वर्क डन बाय आवर मदर्स, आवर वाइफ्स, आवर सिस्टर्स, आवर डॉटर्स। अभी ये ध्यान से मेरे साथ रहिएगा, दुनिया भर में सबसे ज्यादा अनपेड काम औरतें करती हैं जिस देश में, उसका नाम है मेक्सिको। आप में से बहुत खुश हुए होंगे कि भारत तो नहीं है। मेक्सिको में एक जो औरत है वो 6.23 घंटे, मतलब 6.5 घंटे दिन में घर का काम में लगी रहती हैं। आप जो सुन रहे हैं होम मेकर्स हमारे यहां के, आप बताएं आप एवरेज दिन का कितना घंटा घर के काम में बिताते हैं। मेक्सिको के बाद इंडिया का नंबर आता है। इंडिया में औरतें 5.51 ऑलमोस्ट 6 घंटे काम, मतलब 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम का काम एवरेज है। ये उन सारी, मतलब पूरी इंडिया की लेडीज का एवरेज है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट हम औसत बात कर रहे हैं। फ्रांस में 3.44 आवर्स, इंटरेस्टिंग है ध्यान दीजिएगा, कनाडा में 3.43 आवर्स, और सबसे कम जो काम है अनपेड काम औरतों का वो है स्वीडन में 3 घंटे 26 मिनट। अब मैंने लोप साइडेड क्यों बोला कि ये विकृत क्यों है डेटा, स्वीडन में जो मर्द हैं वो भी घर के काम में 3 घंटे मदद करते हैं, मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था है ये देखिए, 3 घंटे औरत ने काम किया, 3 घंटे मर्द ने काम किया, तो जो डिवीजन है लेबर का बराबर है। अब आप में से कई लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि भारत का एवरेज क्या है, तो भारत में जहां हमारी माताएं बहने पत्नियां काम करती हैं 353 मिनट, विच इज इक्विवेलेंट टू 5.51 आवर्स, हमारे जैसे लोग 52 मिनट्स काम करते हैं एवरेज। तो अगर आप रेशियो देखेंगे तो जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, औरतें हैं, वो हमसे 577% ज्यादा काम करती हैं। इसको मैं बोलता हूं लोप साइडेड, ये हमारे यहां जो व्यवस्था ही है उसमें ऐसा है कि सब काम औरत को ही करना है। अब इस ये टॉपिक के पीछे हम, मतलब ये डेटा आई कहां से और क्यों आई, कि जो हमारे जो घर में काम करने वाले हैं, जो हमारे घर को चलाते हैं, उन पे क्या स्ट्रेस लेवल आया, तो ये चेक करते करते ये डेटा निकल के आ गई जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। इसके पीछे OECD में भी ये बताया गया है कि अलग अलग देशों में बचपन से ही लोगों को ना ऐसे सिखा, जैसे अभी बताइए जो अपब्रिंगिंग हो रही है, जैसे बच्चों को, लड़कों को खासकर बड़ा किया गया है कि वो ऐसे सोए रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, क्रिकेट चल रही है, उनको खाना खिलाना, उनको पुश करना और खा ले और सोया रहे, बहनें काम करती रहेंगे और जो भाई होंगे वो सोए रहेंगे लगातार, उनको क्रिकेट देखने की आज़ादी, खेलने की आज़ादी है, और उनको सबसे ज्यादा उस समय भी ठूस ठूस के खिलाने वाली माता ही होती है, तो उनको बचपन से, साथ में पिताजी भी बोलते हैं कि जो काम है वो तो घर के बाहर होता है, जिंदगी जो है वो घर के बाहर है, ये इंडियन मेंटालिटी की बात हो रही है। तो बच्चा क्या सीखता है, घर का काम कुछ वैल्यू का काम है ही नहीं, घर के काम में हाथ बटाना मेरा काम है ही नहीं, और जो माता और बहने अनपेड काम कर रही है वो चलता रहता है। इससे
इंडिया में जो जेंडर पे गैप है, हाँ जेंडर पे गैप, तो इंडिया छोड़ दीजिए, वर्ल्ड वाइड जो गैप है ना, वो वर्ल्ड वाइड गैप है 31.4%। मतलब अगर एक इंसान को, इंसान नहीं, एक मर्द को जिस काम करने के 100 रुपये मिलते हैं, औरत को उसके मात्र 70 रुपये ही मिलते हैं। नहीं, अभी भी चल रही है ये, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस चीज को बार बार हर साल चर्चा की जाती है कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या। सोचने की बात है हम सब के लिए। और ये लॉकडाउन हमेशा नहीं रहेगा, ना ही ये कोरोना हमेशा रहेगा, बट इन सब चीजों के ऊपर में हमें इस सोसाइटी को एक अच्छा बनाने का मौका आया है। तो अभी आप में से जितने लोग घर पे खुद को लॉकडाउन में महसूस कर रहे हैं, आप खाली ये जान लीजिए कि हमारी माताएं बहनें जो हैं वो तो घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं, तो उनके लिए तो रोज की लाइफ थी। और आप अगर आज अटक गए हैं तो आपको ये लॉकडाउन बड़ा ही हृदय विदारक लग रहा है, ये उनकी रोज की जिंदगी थी। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। हाय मुकेश, मुकेश जी बोले, देर इज लिटिल पॉजिटिव सिचुएशन, कंपनी स्टार्टिंग बट विद वेरी फ्यू एम्प्लॉयज एंड इवन नोएडा इन रेड, यूपी गवर्नमेंट अलाउज ओनली फ्यू हॉस्पिटल टू रिसीव इमरजेंसी ओनली, बट आई एम लुकिंग पीपल इवन नॉट ओबेइंग इंस्ट्रक्शंस टू अवॉइड कोविड-19, नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर डिस्टेंस ऑन वेजिटेबल एंड जनरल स्टोर्स। आनंद मोहन जी थैंक यू, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हाय विकी, तो मुकेश सिंह जी की बात से मुझे कल रात को, हम पापा को हॉस्पिटल से लेके आ रहे थे, तो मैंने पापा को रोड पे दिखाया कि अंधेरे में लेबरर्स चले जा रहे हैं, वही हाल, सर पे बोझ रखा है, साथ में बच्चे भी चल रहे हैं, तो आपका एक मन होता है कि उनको रोके, कुछ मदद करें। और बरखा जी की रिपोर्ट में देखा है तो उनमें से कई लोग बोलते रहते हैं कि मर जाएंगे रास्ते पे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यहां नहीं रहेंगे। तो एक जो है ना, ये भरोसा टूटा लोगों का, उनको अभी अपने घर की और गांव की याद आ रही है। और इस हालत में वैसे भी देखिए, ये जो हमारी ह्यूमन काइंड है ना, हम काफी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर वाले लोग हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन, लड़ाई झगड़ा, जो कम्युनल टेंशन, ये सब जो होती है, ये सब हमारी बिहेवियर में है, बट अभी वो निकल के आ रही है और लोग बोल रहे हैं कि ठीक है रोड पे मर जाएंगे, देखते हैं। तो एक भय खत्म हो गया, एक पॉजिटिव साइड है कि वायरस का भय खत्म हो गया, नेगेटिव साइड ये है कि इंसानियत से भरोसा उठना उनका शुरू हो गया, ये हमारे लिए चिंता के विषय है। तो जो लोग अगर सब्जी और दुकान पे, जनरल स्टोर पे अगर मेंटेन नहीं करें डिस्टेंस, मुकेश जी आपका एज अ जिम्मेदार नागरिक, आपका पूरा हक है वैसे लोगों को बोलने का कि प्लीज आप बिहेव कीजिए। मैंने देखा है यहाँ पे मुंबई में, अगर आप किसी लाइन में लगे और कोई आपसे आगे आता है तो इमीडिएटली दो चार लोग चिल्लाते हैं, आप आज नहीं कोरोना के पहले से। तो ये तो सिस्टम जो है, ये कल्चर, ये हम सिटीजन से उसको बनाते हैं, तो ये एक मौका है हम सबको उसको ठीक करने का। मंथन जी बोले, वेल दिस डेटा टर्न्स राइट इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन, हाउएवर रेगुलरली आई बिलीव इन सिटी एरियाज इट वुड हैव बीन 1 आवर बिकॉज ऑफ मेड्स वी हैड। देखिए मंथन, ये इंडिविजुअल डेटा है, इसको सोचना है। हालांकि मैं पूरी ईमानदारी से ये हाथ रख के, और 3 साक्षी बाहर बैठे हैं, 2 बेटियां और एक मैडम है, मम्मी पापा नीचे हैं, मेरे यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा तो मैं हमेशा से करता रहा हूँ, सैटरडे संडेज को थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उम्मीद होती है, एक कोशिश रहती है कि कभी ब्रेकफास्ट बना दिया जाए, कभी खाने में, कल रात की सब्जी मैंने बनाई थी, तो ये आज की बात नहीं, ये पहले से चल रही थी। हमारी बेटी ने घर साफ करने का जिम्मा उठा लिया है और बड़ी स्ट्रिक्ट सफाई करती है, एक एक जो तुनका है वो निकालना है, और जो पोछा लगाती है इतनी शिद्दत से लगाती है। ओहो, हम मेड को बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं, बट बेटा आपको मेड भी नहीं बुला रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाय विकी, विकी बोले, इन माई कंपनी देर इज नो डिफरेंस इन कंपनसेशन फॉर बॉयज और गर्ल्स सेपरेटली पेइंग सैलरी एज पर देर एक्सपीरियंसेस और कैंपसेस। थैंक यू सो मच विकी, एंड यही होनी भी चाहिए। और आज के डेट में जो, थैंक्स फॉर शेयरिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वहां तो यहाँ तक बोर्ड तक भी बात हो गई है कि आपकी डाइवर्सिटी कितनी है और इंक्लूजन कितना है, क्या सबसे आइडियल क्या होनी चाहिए, कितने कंपनी में अगर 100 इंप्लॉई हैं तो उसमें मर्द कितने होने चाहिए, औरत कितने होने चाहिए, आप लोग लिख के बताइए जरा। अगर एक कंपनी में 100 इंप्लॉइज काम करते हैं तो उसमें औरत कितने होने चाहिए, मर्द कितने होने चाहिए। और विकी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे मुझे लाके छोड़ा, अभी जेंडर इक्वेलिटी की अगर आप बात करने जाए तो मैंने कुछ डेटा निकाली है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। 1,000 मर्द पर
1000 अगर मर्द हैं तो उनके ऊपर केरला में 1084 औरतें हैं। बड़ी अच्छी बात है, केरला में, केरला और पुडुचेरी दो स्टेट हैं, केरला में 1084 औरतें हैं, पुडुचेरी में जिसको पौंडीचेरी हम पहले बोलते थे 1037 औरतें हैं। मतलब औरतों की संख्या मर्द की संख्या से ज्यादा है इन दो राज्यों में। उसके बाद नंबर धीरे लगता है। तो आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि छोटी छोटे राज्यों का डेटा है, बड़े राज्य की डेटा बताइए। एमपी में अगर आप देखने जाएं तो 939 नंबर ड्रॉप हो गए, 1000 मर्द हैं और 939 औरतें हैं। महाराष्ट्र एमपी वाज 931, महाराष्ट्र इज 929, राजस्थान 928, बिहार हर 1000 मर्द पर केवल 918 औरतें हैं, यूपी में 912 हैं, और सबसे कम जो डेटा है ये दमन में है। दमन एक यूनियन टेरिटरी है जहां पे 1000 मर्द पे खाली 618 औरतें हैं। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली एज अ स्टेट, तो वहां पे 868। अभी ये छोटे जो राज्य हैं या बड़े शहर हैं वहां पे ये जेंडर की जो इनइक्वालिटी देखने को आ रही है, मुझे लगता है माइग्रेंट लेबरर की वजह से भी होगा, क्योंकि सब तो अपनी फैमिली को लेके आते नहीं, खाली मर्द आके बाहर में काम कर रहे होते हैं। बट हैट्स ऑफ टू केरला एंड पौंडीचेरी। मैं नहीं चाहता कि औरतें और मर्द ज्यादा या कम रहें, बराबर रहने चाहिए। तो जो फीमेल जेनोसाइड है, जो और मतलब माताएं बहन ही कहती हैं कि बेटी नहीं चाहिए बेटा चाहिए, तो वो मेंटालिटी चेंज करने का समय है। और वहीं से कहीं शुरुआत होती है कि पे में भी डिफरेंस देखा जाता है। तो विकी मैं बहुत खुश हूं कि आपकी कंपनी में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। मुकेश जी बोले यस इट्स रियली आई अप्रिशिएट इट, आई फील ग्रेट फॉर दिस इक्वालिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुकेश जी, हरियाणा की हालत इन बिटवीन है, हरियाणा ऑल्सो इज नॉट वेरी गुड बट नॉट दैट बैड एज दिल्ली और दमन, अदरवाइज उसका नाम आ जाता। तो हरियाणा यूपी और उसके बीच में आ रही है, लेकिन वही 800 वाले रेंज में है, समझे, 870 880 के आसपास के रेंज में है हरियाणा। हालांकि बदनामी उनकी बहुत ज्यादा हुई है। अब इसमें हमने हमारा, मेरे बहुत सारे ट्रेनर मित्र हैं जिन्होंने ये कंट्रीब्यूशन किया है कि दो दो बेटियां हैं, तो हम नए तरह से हमने नंबर बढ़ा दिए हैं, अच्छी बात है। तो अभी देखिए, जो कुकिंग, क्लीनिंग, केयरिंग, हाइजीन मेंटेन करना, ये सब तो हमारे माताएं बहनें बहुत अच्छे से कर ही रही थी। अभी साथ में एक और चीज हो गई, अभी सबके सब घर में बंद है, तो बच्चे जो स्कूल जाते थे वो नहीं जा रहे, अभी उनको स्कूल छोड़ने जाना होता तो वो नहीं हो रहा है, कॉलेज जाने वाला कॉलेज नहीं जा रहा, मैं ऑफिस जाने वाला ऑफिस नहीं जा रहा। तो मैंने मैडम से पूछा कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, तो बोलती वो उतना ज़्यादा नहीं आया, उल्टे उनका काम बोलती थोड़ा कम हो गया, कि अभी ऑफिस की मतलब आपको छोटे बच्चे को स्कूल नहीं छोड़ने जाना है, उनको लाने नहीं जाना है, बाहर आना जाना कम हो गया, और खाने का जो काम का जो लोड था वो हम लोगों ने एज फैमिली डिवाइड कर ली, तो उनको उतनी स्ट्रेस नहीं बढ़ी है, और मुझे जानकर बहुत अच्छा भी लगा। हालांकि हमने और डेटा निकाली और चेक किया कि बाकी जगहों पे क्या हालत चल रही है। तो यहाँ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने एक एड निकाली, और ये देखिए ऑडेसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलूं, उनकी ये सोच है। उन्होंने बोला कि जितने भी घर में मर्द हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि नए नए पकवानों की डिमांड औरतों से ना करें। उस देश में जहां पे औरतें ऑलरेडी 6 घंटे काम कर रही है और मर्द 1 घंटे भी घर का काम नहीं करते, तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कई घरों में तो मर्दों को तो ये अधिकार है कि हम बैठे रहें और चाय पिए और खाना खाएं और भाषण दें, काम औरतें करेंगे। तो उस हालत में ओडिशा सरकार ने बोला कि आपको जो खाना मिल रहा है वही खाइए, उनका स्ट्रेस और काम और मत बढ़ाइए। अब मैंने इसको ऑडेसिटी क्यों बोला, मैं आगे चल रहा हूं, आगे की डेटा सुनिए। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डेटा या ये एडवाइजरी इश्यू नहीं की कि आप घर के काम में मदद कीजिए, किसी गवर्नमेंट, ये हमारे कल्चर में है ही नहीं, ये सोच में ही नहीं है। एक दूसरा एंगल, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन के हिसाब से लॉकडाउन होने के बाद 2 गुनी से ज्यादा संख्या में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए, औरतों पे मारपीट के,
डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज एक्ट जो है उसके हिसाब से खाली फिजिकली मारना ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, चिल्लाना, इमोशनल टॉर्चर करना, खिल्ली उड़ाना, सेक्सुअली डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सब डोमेस्टिक अब्यूज में आते हैं। बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी है जो कि चिंता की बात है। अभी इसमें एक एंगल जो मुझे बहुत ही तकलीफ देता है वो है कि जो माताएं बहनें ऑलरेडी एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी पहले, जहां पे उनके ऊपर पहले से ही अत्याचार हो रहे थे, अब इस लॉकडाउन में उनको उसी आदमी के साथ रहना है जो उनके ऊपर पहले अत्याचार करता था। वो उस आदमी के साथ अभी उनको ना किसी पड़ोसी से मदद मिल रही है, ना उनको कहीं से काउंसलिंग मिल रही है, ना उनको हॉस्पिटल जाने का मौका मिल रहा है, ना ही उनको पुलिस से मदद मिल रही है। ये सारी चीजें अनवेलकम है अभी के समय में। मान लीजिए मैं अब्यूजर हूं तो मैं अभी अपने घर में जो है उनको 24 घंटे देख रहा हूं, वो किससे फोन से बात कर रही वो भी देख रहा हूं, और ये बड़ी दुखद बात है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है भारत की, उसमें लॉकडाउन के पहले 11 दिन में ही 92,000 केसेस आए चाइल्ड अब्यूज के, 92,000 केसेस। ये तो वो केसेस है जहां पे बच्चे तो फोन नहीं करते ना, कोई दूसरा फोन करके बताता है कि मैंने ऐसा सुना मैंने ऐसा। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज है, पड़ोसी भी जल्दी नहीं पड़ते उसमें, कोई जल्दी मदद को आगे नहीं आता। तो क्या इस सिचुएशन से, और स्पेन ने, पोर्टुगल ने क्या किया, उन्होंने इशू लॉकडाउन के साथ ही किया कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, अगर इसकी रिपोर्ट होती है तो इसको एज ए एसेंशियल सर्विस ट्रीट करना है। अगर कोई कोई भी इंसान डोमेस्टिक वायलेंस की, ये खाली औरतों की बात नहीं है, मर्द की भी बात है, कहीं भी हो रही है, अगर वो रिपोर्ट करें तो उस समय इमीडिएट एक्शन लेने की उन्होंने प्राविधान किए। फ्रांस ने तो 20,000 होटल रूम बुक करके रखे उन महिलाओं के लिए जो अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती हैं अपने घर में, तो वो जाके होटल्स में रह सके जब तक कि ये माहौल ठीक ना हो जाता है। ओके, अर्जेंटीना, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्पेन, इन सबने तो एक कोड वर्ड बनाया मास्क 19, कि अगर आप इन देश में रहने वाले औरत हैं और आप फार्मेसी में जाएं, और अगर आपने फार्मासिस्ट को बोला मुझे मास्क 19 चाहिए, तो फार्मासिस्ट समझ जाएगा कि ये जो महिला हैं इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, और ये वो रिपोर्ट करते हैं पुलिस को, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो हो ही रही है, बाकी चीजें और सीसीटीवी फुटेज, उन्होंने ये खोल के रखा ये उपाय। शायद हम भूल गए, शायद हम नहीं कर पाए। तो मैं आज के टॉपिक पे आऊं, तो अगर मैं उम्मीद करता हूं हम जितने भी सुन रहे हैं हम में से कोई भी इस तरह का नहीं व्यवहार करता है, लेकिन अगर कहीं आपको कहीं लगता है ऐसा कुछ हो रहा है, तो जो भी विक्टिम है उनको तो पहले ये सोचने की जरूरत नहीं कि गलती आपकी है, आप विक्टिम है। अगर किसी ने हाथ उठाया और किसी ने मार पिटाई की है, पूरी गलती उसकी, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। किसी भी हालत में वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड, और 100% जो गलती है वो हाथ उठाने वाले की होती है एज पर द लॉ अक्रॉस द ग्लोब। एक्सेप्ट नहीं करना है डोमेस्टिक वायलेंस को, क्योंकि आप एक बार एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक विशियस साइकिल होती है, वो उसको लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं, अलाउड है। नहीं, आपको जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो अपने जो क्लोज मित्र हैं, कोई एक परिवार का सदस्य होगा जिस पे आप भरोसा करते हैं, कोई एक पड़ोसी जिस पे आप भरोसा करते हैं, उनको घर की विपरीत सिचुएशन के बारे में फोन से बात करके अगर आप बता सकते हो तो बताते रहें, कि अगर एस्केलेशन हो तो कोई आपकी पीछे क्या चल रहा था वो बताने को तो रहे। मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता, ना ही आप लोगों को डरा रहा हूं, बट ये वास्तविकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन जो इंडिया में है, उन्होंने एक SOS व्हाट्सएप नंबर बनाया है, तो हमारी माताओं बहनों को फोन भी करने की जरूरत नहीं, कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, खाली उस नंबर पे एक SOS भेजना है। वो नंबर है 7217735372। मैं उस फोटो को, उस नंबर को इस कमेंट में डाल दूंगा, कि किसी को जरूरत पड़े, आपको किसी को पास ऑन करना हो, आप बिल्कुल कीजिए। ये नंबर केवल लॉकडाउन के पीरियड के लिए है, उन लेडीज की सपोर्ट के लिए जिनके यहाँ उनके ऊपर में अब्यूज होता है। ठीक है,
विचलित नहीं करना चाहता था आपको, लेकिन ये भी जिंदगी की सच्चाई है और इसे देखना और जानना भी हमारा काम है। पापा लिख रहे, रात की सब्जी बहुत टेस्टी थी, मैंने मम्मी को बताया था कि सब्जी अच्छी बनी। वाह, मेरा मेहनत जो है वो सफल हो गया, पापा को सब्जी अच्छी लगी। बड़ा ही सिंपल सा रेसिपी है, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट होगा तो बताएंगे। आलू और टमाटर की सब्जी होती है जो मैं अपने हिसाब से फ्री स्टाइल बनाता हूँ। कल हमारी छोटी वाली बेटी ने मदद की थी उसमें हमारी। मंथन पटेल, 1046 वुमेन हेल्पलाइन नंबर, नॉट ओनली ड्यूरिंग लॉकडाउन बट ऑल्सो एनी डे ऑफ ईयर वुमेन कैन लुक फॉर हेल्प। थैंक यू सो मच मंथन फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू सो मच। और ये अवेयरनेस की बात है, तो अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना मजबूरी नहीं है, लेकिन अभी जो लॉकडाउन है उसमें तो सबको फोर्स, एक तो शब्द ही लॉकडाउन ऐसा है जो खुद ही स्ट्रेस बढ़ा देता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बातचीत की कुछ लोगों से। तो पहला तो हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जितनी भी माताएं बहनें इतना सारा काम कर रही हैं जो अनपेड वर्क है, उन सब के लिए एक बार तालियां हो जाए। उन्होंने हमें यहां तक ऊपर लाया है, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम भी है हमारा। और जो भी हमारे जैसे निठल्ले लोग हैं, मर्द लोग हैं, हम आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि यथासंभव जहां तक हो सके काम में हाथ बटाएं। ये समय चला गया, हमें स्वीडन जैसा बनना है जहां पे दोनों मर्द औरत दोनों बराबर बराबर काम करें। दूसरी बात, आपके जो मेड आती थी, जो कुक आते थे, जो क्लीनर आते थे, उनको जो पैसे मिलते थे, वो सारे पैसे अभी उनको मैडम को मिलने चाहिए। तो मैडम सुन रही होंगी, तो मैडम आपकी सैलरी में इंक्रीज हो गया है, ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहां हो गई है। सपोर्ट करना है पूरी फैमिली को एक साथ थी सिचुएशंस निकलने के लिए। तो आज तो हम खाली देख रहे हैं कि चिंताएं क्या बढ़ी हैं, चैलेंजेस क्या बढ़े हैं, सॉल्यूशन मोड पे नहीं आ रहा। सॉल्यूशन मोड आप लोग देंगे, आप बताएंगे। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तबका है जो इस सिचुएशन में बहुत बुरी तरह फंस गया है, वो है हमारे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे। तो आपके घर में भी छोटे, हाय सौरभ आप लेट आए आज, जो छोटे बच्चे हैं वो घर में फंस गए हैं। और कितने बच्चे हैं वर्ल्ड वाइड, 1.5 बिलियन, 1.5 अरब बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे, उन सब की स्कूल बंद है अभी। अब बताइए, वर्ल्ड वाइड सर्वे में चेक किया है मेंटल स्टेटस ऑफ द किड्स और क्या क्या रिपोर्ट हो रहा है, नाइटमेयर्स, रात में डरावने सपने आ रहे हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, टैंट्रम्स, नखरे दिखाना बढ़ गया है, रिग्रेशन, बच्चा 10 साल का है लेकिन बिहेव करने लगा है 5-6 साल के जैसे, 4 साल के बच्चे मुंह में उंगली डालने लगे, स्ट्रेस की साइंस, ग्रीफ वो हम में भी है, उदास रहना, एक बहुत गंभीर तरह से उदास रहना, मूड स्विंग्स होना, कुछ बच्चों में वायलेंट आउटबर्स्ट भी आते हैं, आपने डांटा उससे ज्यादा वो डांट दें आपको, क्वाइट पॉसिबल। एग्जेजरेटेड फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, बाहर के लोगों का डर बहुत दिमाग में घुसा है, किसी आदमी को पास में आते देख करके बच्चे, जबकि मैं उम्मीद करता हूं, मैंने अभी तक तो पिछले 40-50 दिन में रोड पे केवल भीख मांगने वाले बच्चों को देखा है, किसी घर के बच्चे बाहर नहीं निकले, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। सौरभ लिख रहे हैं, मदर्स ड्यूटी डजंट चेंज इन लॉकडाउन, इनफैक्ट मदर्स ड्यूटी डजंट चेंज, मदर्स ड्यूटी हैज इंक्रीज्ड आल्सो मेनी फोल्ड इन मेनी केसेस। मुकेश सिंह जी बोल रहे हैं, मेरे दादाजी 3 भाई, मेरे पापा जी 6 भाई, किसी को कोई भी बेटियां नहीं हुई, मगर मेरी माता जी ने मन्नत मांगी थी और माँ विंध्यवासिनी जी मेरे घर में आप कदम रखें, लोगों ने कुछ रूढ़िवादी बातें स्टार्ट कर दी थी कि आपके यहाँ तो गाय को भी बछड़ा ही होता है, आपके यहाँ माता दुर्गा नाराज हैं। अच्छा, मेरी माँ आज भी 9 दिनों तक व्रत रखती हैं और 8 लड़कियों की कन्यादान कर चुकी हैं माँ, मगर अब खुश है कि मेरे नीतू सिंह जी से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, हमारा पहला बेबी बेटा था तो लोगों की बातों को बल मिला था, मगर जब बेटी हुई तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू मुकेश जी शेयर करने के लिए। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इसी देश में जहां पे 1000 लड़कों पे 900-800 लड़कियां हैं, एवरेज की बात कर रहा हूं, इसी देश में सबसे ज्यादा पूजा होती है माताओं की। आप हर गांव में चले जाइए, ये कौन सी माता है, ये कुल देवी है वो भी माता है, ये ग्राम देवी है वो भी माता है।
तो जिस देश में सबसे ज्यादा दुर्गा की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, वहां ही जेंडर जो गैप है ना, सेक्स गैप, वो देखने को आता है। बताइए, तो कथनी और करनी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फर्क देख रहा हूं मैं। तभी जब आप बच्चों की जो बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, आप लोग भी बताइएगा कि आपके बच्चे आज के समय में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी व्हाट्सएप पे उनको नोट्स आ रहे हैं और सवाल जवाब भी, क्वेश्चन आंसर भी चल रहे हैं, अनऑफिशियली ही है स्कूल की तरफ से पूरा तरह से। अच्छा, स्कूल ने एक यूट्यूब चैनल बना दिया है और वो लोग क्लासरूम में लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। हालांकि स्कूल खोलना है कि नहीं खोलना है, इसके ऊपर में अभी बिल्कुल निर्णय नहीं है। अगर यूएसए की बात करें तो आज तो घर घर में ये नाम फेमस हो गया है, एंथनी फॉची साहब, उनका बोलना है स्कूल खोलना बहुत ही खतरनाक होगा। तो शायद क्राई ने भी एक सर्वे की जिसमें बताया गया है कि स्टैगर्ड वे में खोलना चाहिए, बट मेरी माने तो स्कूल तो खुलना ही नहीं चाहिए। जब तक एक वैक्सीनेशन की स्टेजेस नहीं आ जाती है कि बच्चे सुरक्षित हो गए हैं तब जाके, अदरवाइज तो पढ़ाई एक दो साल रुक सकती है, कुछ उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा उथल पुथल। अभी देखिए, जहां तक सोशल और इमोशनल नीड की बात है बच्चों की, तो बच्चों में एक बड़ी प्रबल प्रवृत्ति होती है, और हम भी बच्चे थे तो हमें याद है ना वो दिन कि खेले नहीं तो चैन नहीं आता था। तो बच्चों के कुछ गेम होते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, ऐसे ही खेलते हैं, कुछ भी बना लिया। और कुछ स्ट्रक्चर्ड गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, ये दोनों की जरूरत होती है। अभी सब बंद है 50-60 दिन से, ये चिंता की बात है, चिंता। और तो एक दूसरा शैतान चाइल्ड अब्यूज के केसेस इतने, मतलब पहले 11 दिन में 92,000 केसेस चाइल्ड अब्यूज के रिपोर्ट हुए हैं। अब जैसे वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला सीन है, ये सीन भी वही है, अभी उसी अब्यूजर के साथ। अगर मान लीजिए घर में अब्यूज हो रहा है तो बच्चा उसी अब्यूजर के साथ ही पड़ा हुआ है। और नॉर्मली जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, जो कि पुलिस को या प्रशासन को बताते हैं कि इस बच्चे में मुझे स्ट्रेस के लक्षण दिख रहे हैं, ये डिस्टर्ब दिख रहा है, ये बताते कौन है? टीचर सबसे ज्यादा। अब टीचर उनका मिलना ही नहीं हो रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो एज ए जागरूक नागरिक, आप सब भी आंख कान खुले रखें, आपके बाजू में तो कुछ ऐसा गलत ना हो रहा हो। अभी लर्निंग की जो बात करें तो लर्निंग गैप तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई की तो ऑनलाइन कोर्सेज सब लोगों ने चालू कर दिए, बट अभी ऑनलाइन कोर्सेज फोन के ऊपर में, अभी मान लीजिए आपके घर में फोन भी है बट कई सारे लोग हैं जिनके यहाँ पे पैसे का जो इनकम है वो कम हो गया, वो बंद हो गया है, तो रिचार्ज कहाँ से कराएंगे? एक घर है एक और दो इंडिया में, 78% इंडियंस हैव मोबाइल फोन, 57% ऑफ इंडियंस इन द विलेजेस हैव मोबाइल फोन, बट एक बाप के हाथ में फोन है स्मार्टफोन, 3-4 बच्चे हैं, हर बच्चे की अगर ऑनलाइन क्लास हो रही है कौन कैसे करेगा? कनेक्टिविटी इश्यूज, हमारे तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, 20 Mbps का कनेक्शन, उसके ऊपर में नेटवर्क इश्यूज हमारी बातचीत में आ जाती है। तो जब भी गांव में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं और एक साथ इतने सारे, इट्स चैलेंजिंग। तो छोटे बच्चों के ऊपर अभी स्ट्रेस बढ़ा के पढ़ाई का हम कुछ भला नहीं कर पाएंगे उनका। मैं सॉल्यूशन मोड में नहीं आना चाहता, बट ये जो रियलिटी है ये हमारे बच्चों में आप देख के बता सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करो, छोटे बच्चों की बात करो, ध्यान रखें उनका, उनकी जो बिहेवियर है, उनकी जो फीलिंग्स है, उसके ऊपर में क्या आप स्ट्रेस का कारण तो नहीं बन रहे? बच्चे अभी से इस 5-6 साल 7 साल की उम्र में, जब भी उनको जॉयफुल और खेलने वाला, वो दिन रात खाली क्या सुन रहे हैं? मरना मरना मरना, मौत मरना मौत मरना। तो ओवर एक्सपोजर ना होने दे, उनके लिए तो पूरी जिंदगी पूरी दुनिया आप ही है ना, तो आप किस तरह से अपने आप को हैंडल कर रहे हैं, कितनी एक्सपोजर दे रहे हैं उनको इस कॉन्स्टेंट बराज ऑफ न्यूज? नहीं, क्या आपके घर में 24 तो नहीं सोते भी होंगे क्या, बट जब तक आप जगे रहते तब तक क्या टीवी बैकग्राउंड में चलता रहता है फ्लैश न्यूज? अगर चल रहा है तो रोक दीजिए उसको, जरूरत नहीं है बच्चों को सब जानने की, उनके पसंद की चीजें देखने दीजिए। पढ़ाई होती है, होती है, नहीं होती तो देखी जाएगी पढ़ाई, बाद में देखी जाएगी। हाय नीरज, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। दुर्गेश्वर मिश्रा जी, वेलकम वेलकम। आनंद मोहन बोल रहे हैं, सर वेरी ट्रू, इट्स नॉट सेफ टू सेंड चाइल्ड टू स्कूल इन दिस सिचुएशन अंटिल वैक्सीन अवेलेबल। बिल्कुल अग्री करता हूँ, वैक्सीन की टाइमलाइन जब आएगी देखेंगे। तो ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात, जो आपसे कम्युनिकेट नहीं उतनी तरह से कर पाए। अगर उनको मन करता है ना बच्चों को कि अगर वो वीडियो कॉल पे सब आपस में अपने क्लासमेट से बात करना चाहे, करने दीजिए,
2 घंटा बंकस करे, करने दीजिए, बच्चे वैसे ही है ना। तो अभी जो उनको जो फिजिकली जो खेलते थे और घूमते थे, अगर वो अगर उनको मेंटल पीस वीडियो कॉल पे आ रहे, करने दीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं देखता हूँ मूड स्विंग्स बच्चों में होते हुए, उनको देख के उनको हंसाने की कोशिश करता हूँ, जोकर बनने की कोशिश करता हूँ उनके सामने। मैं स्ट्रेस में हूँ, डेफिनेटली हूँ, जितना भी हंस लूँ, जितना भी मुस्करा लूँ, लेकिन चिंता तो है कल क्या होने वाली, और उम्मीद है आप सब भी उसी से गुजर रहे हैं। एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज आई, तो कोई थोड़े मुझे तो काफी इनसेंसिटिव लगा, वो चिल्लाए, किसके यहां बच्चा चिल्ला रहा है, मुझसे ना रहा गया भाई। मैंने इमीडिएटली बोला कि भाई देखो अभी तो घर में बंद है, सब लोग बंद हैं, काम कर रहे हैं, बड़ों लोगों को चुप करके रखा है कि मेरी कॉल चल रही है, मेरा प्रोफेशनल काम है। अब क्या तुम 3 साल और 4 साल के बच्चों को भी बोलोगे तो चुप हो जाओ, हद हो गई यार। रहा नहीं गया मेरे से, मतलब ये इंसानियत नहीं है, ये छोटे बच्चे हैं, उनको क्या मालूम तुम्हारी क्या मीटिंग क्या चल रही है, क्या चल रहा है, क्या होता है ये। बट बड़ी खुशी की बात है लीडरशिप के लोगों ने इमीडिएटली उसको पिक किया, बोला नहीं नहीं बच्चों को खेलने का पूरा हक है, बच्चे खेलेंगे यार, चिल्लाएंगे, उनका घर है। तो मैंने पहले ही बताया मेरी बेटी चिल्ला पड़ी थी मेरे पे, मैंने उसको हशहश किया, तो बोला यू हशहश, इट्स आल्सो माय होम। आनंद जी लिख रहे हैं मी एंड माय सन बोथ आर वाचिंग, ही इज सेइंग दैट अब तो स्कूल नहीं जाओगे, जाऊंगा आपके सर ने भी बोल दिया। हाय बेटा, डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, ये सब तो देखो ना, इसके पहले भी पापा के जो दादा थे उनके समय भी बेस बीमारी हुई थी और वो ठीक हो गई। तो ये जो बीमारियां है ना, ये सब 100 साल में आती हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि 100 साल जीने वाले कोई लोग ही नहीं बचे जो हमें बताएं, इसलिए सब लोग डर रहे हैं। तो आप मत डरिए और खूब सारा कार्टून फिल्म देखिए, बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ जाइए, हाँ खूब खेलिए, दोस्तों से बात करने का मन हो बात कीजिए, स्कूल की टेंशन नहीं लेना। स्कूल तो मैं पहले भी बोलता था, स्कूल में जो किताब में पढ़ाते हैं उससे ज्यादा तो आपको पापा आपके मोबाइल पे दिखा के बता देंगे। कितने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, बायजूस फ्री में क्लास चला रही है, यूट्यूब पे आपको आपकी पसंद की जिस चीज में इंटरेस्ट है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो गुड, डोंट वरी एट ऑल। अभी मैं थोड़ा गियर चेंज करते हूं और अभी हम जो बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले जो कॉलेज जाने वाले बच्चे थे उनकी क्या हालत हुई। ये तो यंग जनरेशन ना, टीनेजर्स, जो ना बच्चे रहे ना वो बड़े रहे, बच्चे मेरे लिए तो हैं बट बायोलॉजिकली। तो एक तो ये जो एज ही होती है ना, टीन एज बड़ी कंफ्यूजिंग एज होती है, इतने बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं। एक तो पहले आपको जो पहले सारे इंसान थे उनमें सडनली आपको फर्क लगने लगा, ये मर्द है ये औरत है, और वो जो बायोलॉजिकल चेंज और लोचा होता है उसको संभलने में ही बच्चों को बहुत समय लगता है। ये सब सिचुएशन चल रही है, इस बीच में वो क्या सोच रहे हैं। तो मैंने काफी सारी रिसर्च डेटा देखी, काफी एनालिसिस देखी, रिपोर्ट्स पढ़े और कुछ जो डेटा निकल के आया सब शेयर करूंगा। तो मैंने खासकर 3 चीजों पे देखा कि कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उनके हेल्थ पे क्या असर आई है, उनकी मेंटल स्टेट पे क्या स्टेटस चेंज आई है, रिलेशनशिप पे क्या असर हुआ है, और उनके जो फ्यूचर के बारे में ख्याल हैं उसमें कुछ क्या सोच रहे हैं, ये जो हमारा भविष्य है, जो इमीडिएट भविष्य है, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि कॉलेज वाले ही अगले 4-5 साल में 10 साल में काम करते हैं ना, इकोनॉमी का आगे बढ़ाते हैं, हमारी एक्चुअल इमीडिएट फ्यूचर है वो। तो उसकी बात करूंगा, अभी कुछ कमेंट आए हैं वो देख लेते हैं एक बार। नायक साहब लिख रहे हैं रीसेंट अपडेट्स, स्नीज प्लेटलेट्स कैन सर्वाइव इन एयर फॉर 8 मिनट्स, सो स्कूलिंग इज नॉट एडवाइजेबल। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं नायक जी। तो अभी तो कई जगहों पे जहाँ पे ऑनलाइन, जो मान लीजिए आपके पास घर पे लैपटॉप है और जूम के थ्रू पढ़ाई हो रही है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, घर के अंदर हैं, सेफ हैं, तो कई जगह तो ये भी सोच में बात आ रही है कि ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्कूल और कॉलेज थे इनकी फ्यूचर क्या होने वाली है। तो अगर आप हमारी पिछली टॉक को अगर गौर से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी के जो हेडसेट होते हैं और सॉफ्टवेयर मिल करके अगले साल में ऐसा हो जाएगा कि अभी आप सब बैठे हैं और मैं आप सबको देख पा रहा हूं, लेकिन आप में से कौन सा इंसान मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, वो मुझे सॉफ्टवेयर बताता रहेगा लैपटॉप। ये पॉसिबल है और चालू है ये। हाय आदित्य, हाउ आर यू, हाय रौनक। सो
द डेवलपमेंट ऑफ द सिचुएशन इज कमाल है, इवोल्यूशन है पूरी की पूरी। तो अभी आई विल कम टू द कॉलेज गोइंग किड्स एंड मैं कुछ डेटा आपसे शेयर कर रहा हूँ। हेल्थ वाइज द कॉलेज गोइंग किड्स आर सेइंग के वो बहुत ज्यादा प्रोकेस्टिनेशन करने लगे। एक ग्रुप बोल रहा है कि आज करे सो काल कज, काल करे क्या था, काल करे सो नहीं, आज करे सो नहीं, काल करे सो आज कर, कौन बताएगा मुझे, कबीर साहब ने बोला था ना, राजीव जी नहीं है आज कबीर वाला, तो मतलब कल जो करना था उसको आज करो। और प्रोकेस्टिनेटर क्या बोलता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो बच्चों ने प्रोकेस्टिनेशन सीख लिया है या ज्यादा करने लग गए हैं, ये नंबर वन है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं उनकी भूख खत्म हो गई, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट कैन ऑल्सो बी अ साइन, क्लियर साइन ऑफ डिप्रेशन। सो अगर आपके बच्चों में अगर इस तरह के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, ध्यान दें, एंगेजमेंट का समय है ये। दूसरी तरफ से कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं। हाँ, कोई तो आया मुझे मदद करने, मंथन आए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। देखो मंथन आ गई याद, गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू, थैंक यू नायक जी। कल को परलय, कल को नहीं, पल में परलय आएगा बहुरी करेगो कब, बढ़िया, थैंक यू। तो कुछ बच्चे कम खा रहे हैं जिनकी भूख कम हो गई, कुछ बच्चों की भूख बढ़ गई और ज्यादा खाने लग गए हैं। तो जिन माताओं बहनों के यहाँ बच्चे ज्यादा खाने लग गए हैं और तीन चार अगर मुस्टंडे टाइप के बच्चे हुए, तब तो आपका काम बढ़ गया। तो माताएं तो खुशी होंगी, हाँ मेरा बच्चा बहुत खा रहा है आजकल। लेजीनेस एंड मिस्ड अप स्लीप शेड्यूल, ये बच्चों का बोलना है, कॉलेज गोइंग बच्चों का, कि आलसीपना बढ़ गया है, एंड ये सब क्लियर साइन है डिप्रेशन के। और स्लीप शेड्यूल खराब हो गई, रात को जग रहे हैं दिन को सो रहे हैं। आपके यहां भी इस तरह के बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं तो बताइएगा, हमारे यहां दिख रहे हैं। सो मेंटल हेल्थ वाइज हाउ आर आर कॉलेज गोइंग किड्स फीलिंग, एंड आई हाई टू ऑल द कॉलेज गोइंग किड्स, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड, दीज आर सम ग्लिचेस, रीसेट्स विच हैपन इन लाइफ, नीड नॉट बी परमानेंट। सो आई कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ स्ट्रेस यू गाइज आर गोइंग थ्रू। I keep talking to some very, very bright young people and they do share their concerns. But most of your concerns are unfounded, as are the concerns of adults. Mental loop negative mat banao. Aage badhte hain aap logon ki. Toh mental se baat aaye, mental health wise, excessive boredom and lack of productivity leading to frustration. Alag tabka hai jo batata hai ki boredom bahut ho rahi hai, frustration ho rahi hai, impatience ho rahi hai. Some feedback is saying lockdown is actually a good opportunity to get things done which they wanted to do. तो कुछ लोग जो चीजें करना चाहते थे उनको वो अभी करने का मौका मिल गया है, and because colleges के और classes के schedule भी चल रहे हैं तो उसमें उनको थोड़ा समय भी कम मिल रहा है, ये भी बोल रहे हैं। Lots of stress and anxiety is being seen. अच्छा, कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं कि उनको भी family और relationship की importance समझ में आ रही है, साथ में ये भी पता चल रहा है कि एक्चुअली में केयर कौन करता है। क्या बात, क्या बात, देखिए ये अच्छी बात निकल के आई। मंथन बोले, यस इट्स फॉर मी, आई जनरली बिंज वॉच योर वीडियोस आफ्टर 1 AM टू 5 AM। तो एक जो मेरा दिल है वो खुश भी हो रहा है कि मंथन बिंज वॉच करते हैं मेरे वीडियोज को, और दूसरा ये भी बोल रहा है कि ये देखिए स्लीप पैटर्न बंदे की खराब हो गई है। तो मंथन अपना नींद जो है इसको बचाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के समय में मैं 7 से ऊपर भी नहीं बोलूंगा, 7 से कम भी, 7 से 8 घंटे आप अगर नींद निकालें तो आपके हेल्थ और इम्यूनिटी पे बहुत पॉजिटिव असर है इसका। तो नींद को कॉम्प्रोमाइज मत करो दोस्त, चाहे भले ही आप मेरे ही वीडियो देख रहे हैं। डू नॉट हैव टू फॉलो शेड्यूल, कैन डू एनीथिंग व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल, बीइंग मोर प्रोडक्टिव। ये अलग कुछ बच्चे हैं बोलते हैं कि अभी उनको शेड्यूल नहीं है। देखिए अलग अलग तरह के हैं ना, तो जो जो पर्सनालिटी टाइप है, तो जिनको स्ट्रक्चर पसंद नहीं है, जिनको शेड्यूल से पसंद नहीं है, दे आर फीलिंग लिबरेटेड एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक थिंग्स। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द किड्स, ज्यादा मत सोचो, डोंट ओवर थिंक। वैसे मैं सोल्यूशन मोड में आज नहीं आना चाहता, बिकॉज अभी और भी पॉपुलेशन है जिनकी फीडबैक हम कल भी शेयर करेंगे आपके साथ। रिलेशनशिप पे बच्चों का क्या, कॉलेज गोइंग किड्स व्हाट्स देयर फीडबैक। The number one point which came is argument between parents, or between parents, माता पिता में जो
आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं उसका उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर उनकी जो आर्ग्यूमेंट पेरेंट्स से हो जाती है उससे भी उनका मूड काफी खराब होता है. सम आर सेइंग दैट दे गॉट क्लोजर टू पेरेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग विद द पेरेंट्स बिकेम बेटर बिकॉज फॉर्चुनेटली वी गॉट टाइम टू बी विद दोज जिनको कभी देख नहीं पाते थे. अभी टूर नहीं है, अभी ऑफिस नहीं जाना, तो बहुत सारा समय साथ में बीत रहा है. Some parents are taunting the kids to be more productive and utilize their time, leading to unnecessary misunderstanding between the child and parents because parents failed to realize that it is increasing the stress and pressure and lowering the amount of interaction. ये तो parents का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. बैठे हो तो ये कर लो, खड़े हो तो वो कर लो, समय का सही इस्तेमाल करो, मत कीजिए. अभी आपको भी नहीं मालूम इस समय से कैसे निकलना है, तो बच्चों को तो मत सिखाइए. जैसे हैं वैसे उनको करने दीजिए. एक बार सिचुएशन नॉर्मल होगी, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, उसके बाद देखा जाएगा. और एक और चीज, हाथ जोड़ के सबसे विनती है, माता पिता के झगड़े का सबसे बड़ा असर बच्चों पे पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कीजिए. अगेन सॉल्यूशन मोड में आने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी कुछ चीजें मुंह से निकल जाती. सो कॉलेज गोइंग किड्स आर जस्ट रिक्वेस्टिंग कि उनके साथ थोड़ी एम्पथी रखी जाए, उनका जो स्ट्रेस है उसके लिए थोड़ा सा पेरेंट्स सोचें, ये रिक्वेस्ट है उनकी तरफ से. हालांकि मैं वापस कल ये जाने की कोशिश करूंगा कि उनकी हमसे क्या उम्मीद है. What are their expectation from us during this time? हमारी तो हमेशा उनसे इतनी बड़ी सी उम्मीदें होती हैं. Future, the college going kids say they are scared about doctors. उनको डॉक्टरों से डर लग रहा है, उनको हर दिन बढ़ते हुए केस के नंबर से डर लग रहा है, उनको scarcity खाने की होगी ये सोच के चिंता हो रही है, उनको इस चीज की चिंता हो रही है कि हमारे क्लास का कोई बंदा इस बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो जाए. उनको देखिए कितने समझदार हैं हमारे बच्चे, उनको यह चिंता हो रही है कि चाइना और यूएसए में कोल्ड वॉर ना शुरू हो जाए, पूरी दुनिया मिलकर चाइना को पुश ना करने लग जाए. मेरी बेटी से बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि पापा ये जो छोटी कंट्रीज हैं विच आर रियली पुअर कंट्रीज, उनका क्या होगा? आई सेड कुछ नहीं होगा बिकॉज ह्यूमैनिटी वुड कम टू हेल्प. जैसे आप और हम अपने आजू बाजू के गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीब भी नहीं बोलूंगा, हम सभी गरीब हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद कर पा रहे हैं, वैसे ही देशों को भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मदद करनी होगी. और अभी लीडरशिप बहुत ही कमाल की चीज होती है. आप में से बहुत कम लोगों को इबोला याद होगी, बट जिस तरह से इबोला को फटाफट ना बहुत कमाल के लोगों ने उस पीछे में काम किया था. रिसर्च कीजिएगा, हिस्ट्री थोड़ा चेक कीजिएगा, इबोला को पृथ्वी से उन्मूलन करने वाले इंसानों का नाम क्या है, आपको पता चल जाएगा किस चीज की बात हो रही है. तो बच्चों को डर है कि उनके जो मित्र हैं वो ना इन्फेक्ट हो जाएं, कोल्ड वॉर ना शुरू हो जाए, और अनएम्प्लॉयमेंट में रेट बढ़ जाएगी, टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी. मैं क्या बोलूं बच्चों को, ये गलत है? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. तो जैसा एक दिन पहले के एपिसोड में बात हो रही थी कि इकोनॉमी का क्या होगा, इकोनॉमी का भी नंबर वन काम है भूख से किसी को नहीं मरने देना. आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, मदद कीजिए लोगों की. और आज के दौर में डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप किसी को पैसे दे पाते हैं तो मैं तो पूरी तरह से ये मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि हमें लोगों की पैसों से मदद करनी चाहिए जिससे वो अपनी पसंद की जो चीज़ चाहें खरीदना, खाने में खरीदें. किसी का दिया हुआ राशन वो हाथ लेकर ऐसे ना लें, क्योंकि आपने एक बार उनको छुपाकर पैसे दे दिए, फिर वो जाकर शान से तो किसी दुकान से अपनी पसंद की चीज़ खरीद सकते हैं. और ये जो कंट्रोल है ना लाइफ में, कि मैं सिचुएशन में हूँ कि मैं अपने पसंद से अपनी पसंद का चावल दाल जो खरीदना चाहूँ खरीद सकता हूँ, बशर्ते कोई मुझे दान में बासमती भी दे तो मुझे गवारा ना हो. तो अपना अपना जो भी आपसे संभव हो पाता है जरूर मदद करें. कोई आस पड़ोस में
भूखा ना हो। कल डैड को छोड़ने जा रहे थे तो रेडियो पे जो रेडियो जॉकी अपील कर रहे थे कि प्रॉब्लम बड़ी सोसाइटीज में है, बड़े बंगलों में रहने वाले लोग, वहाँ के वॉचमैन को वहाँ खाना नहीं मिलता है। वो बाहर जाते हैं, स्लम्स में खा के आते हैं, बाहर रोड का खाना खाते हैं। इतने सारे बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में जिनके घर में पिज्ज़ा पास्ता बन रहा है, क्या वो एक वॉचमैन का खाना नहीं निकल सकता उनके यहाँ? तो ये भी अभी भी जग जाने का समय है, मैं तो यही बोलूँगा। और जहाँ तक यथासंभव हो सके मदद करने की कोशिश करनी है, और वो भी चुपके से, छुपा के, सबको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। डिग्निटी बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, मेरे से बड़े भी कुछ होंगे इस प्रोग्राम में, मेरे से छोटे भी हैं, तो आप सबको प्रणाम है। और आपको कैसा लगा आज का जो बातचीत, जो वार्तालाप है? प्लस आप और क्या सोच रहे हैं, ये कैसे, हमें और क्या करना चाहिए एज ह्यूमैनिटी, इंसानियत के तौर पे हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या सॉल्यूशंस दिख रहे हैं? तीन कैटेगरी हमने बात की, तो हम अपने जो होम मेकर्स हैं उनकी लाइफ को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़े सॉल्यूशन बताएं मुझे। मैं नहीं चाहता कि मैं सॉल्यूशन दूं आपको। छोटे बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, और जो कॉलेज गोइंग किड्स हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन होने चाहिए? मैं एक चीज़ और, पूरी तरह से कॉग्निजेंट हूँ कि जिन घरों में रोज चूल्हा जल रहा है, जिन घरों में रोज पैसे आ रहे हैं, या एक जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंटैक्ट है, वहाँ की मेंटल स्टेटस कुछ और है, जिन घरों में पैसे आने बंद हो गए और भविष्य भी अंधकार में दिख रहा है, वहाँ पे ये सब बातें कुछ मायने नहीं रखती। तो अपने आजू बाजू में ऐसे किसी घर में ऐसी स्थिति ना आए। कई लोग बड़े खुददार हैं, पूछेंगे नहीं आपसे जब तक आप उनसे बात करने नहीं जाएंगे। आज एक इंसान से बात हो रही थी तो मैंने पूछा, तो परेशान लगता है, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं कुछ दिक्कत हो तो बताओ। तो नहीं देखिए पैसा तो है लेकिन सोच रहा हूँ इसको गाँव कैसे भेजूँ। मैंने कहाँ भेजना है आपको? तो उन्होंने यूपी के गाँव का नाम बताया कि यहाँ पैसे भेजने हैं। मतलब कोई बात नहीं, पैसे मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, आप अकाउंट नंबर दे दो। देखिए अभी उनके दिमाग में क्या चल रही थी कि उनको बैंक में जाना है, लाइन में खड़े होंगे, फिर पैसे डाले जाते हैं। मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, उनके पैसे उनके अकाउंट में उनके घर वालों को मिल गए। और इस समय में कोई बम्बई में काम करने वाला कोई अपने यूपी के अपनी फैमिली में कुछ पैसे भेज पा रहा है, उस परिवार के लोग कितनी दुआएं दे रहे होंगे उस इंसान को, जो और जो हैं वो जिनकी मैं बात करूँ वो सुरक्षित हैं, हम सब उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये खुददारी भी है इंसान की कि किसी तरह की मुसीबत में चलते रहें। तो आप देखते रहें लोगों को कौन ज़्यादा परेशान लग रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या मदद उसकी। कल मन में आया था कि रोड पे चल रहे लोगों में कुछ किया जाए, फिर ये भी ख्याल आया कि हम तो 33% तो अपना दे ही रहे हैं हमेशा से देश को। जो भी सैलरी आती है उसमें 30% तो कट के ही आती है, तो हमने तो अपना कंट्रीब्यूशन कुछ हद तक पहले किया हुआ है, अभी पर्सनल लेवल पे और भी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी थोड़ी इमोशनल बातें हो गई, बट आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ आप सबको कि ये जो हमारी वार्तालाप है, ये जो बातचीत है, ये जारी रहेगी। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम सैटरडे संडे बिल्कुल ये 7 से 8 का जो समय है आपके साथ बिताएंगे, एक नए नए टॉपिक को लेके, नई नई जानकारी को लेके, और इस सिलसिले को हमेशा आगे चलाया जाता रहेगा। आगे के टॉपिक्स क्या होने चाहिए, किन चीज़ों पे आप मेरे से बातचीत करना चाहेंगे या चाहेंगे कि मैं रिसर्च करूँ, जरूर लिखें और बताएं, मुझे बहुत जानकर उस खुशी होगी। अरे वाह नायक जी ने आप मेरे मन की बात पढ़ ली। टुडेज एपिसोड सजेस्ट स्वदेशी एज मेड्स एक्सपेंसेस विल बी इंटरनली सर्कुलेटेड टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक सिचुएशन। मुकेश जी बोले वेरी इंटरेस्टिंग, नाइस, माइंड ब्लोइंग सर, अमिड लॉकडाउन इट इज लाइक अ पंक्चुअल शो टू लर्न एंड थिंक। थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू आदित्य, थैंक यू रौनक, गौतम, अंचल, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं फिर जल्दी ही। और एक अभी जो मैंडेटरी है, आप उन सब लोगों का शुक्रिया बोलने का जो आज शामिल हुए लाइव, और आपने जो इंटरेक्शन किया है, हमारे कुछ रेगुलर दर्शक थे वो, देखिए ऐसा होता है कि आप शो कंटिन्यूटी ना रखे तो जनता निकल जाती है। राजीव भाई आए नहीं तो राजीव भाई को अलग से प्रणाम है। ध्रुव ज्योति थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू अर्चना जी, उम्मीद है आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। और थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू मंथन, थैंक यू पुष्कर भाई, थैंक यू पापा, मंथन आपके कमेंट शानदार थे। नायक जी लॉकडाउन
ने आपको 2040 कैसे दिखाया, आपके कमेंट का इंतजार है, मुझे जरूर बताइए। सोमा मंडल जी नमस्कार, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुकेश सिंह जी थैंक यू सो मच फॉर योर फैंटेस्टिक कमेंट्स टुडे। थैंक यू आनंद, थैंक यू विकी, विकी यू आर माय बिगेस्ट शेयरर, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प एंड सपोर्टर। मंथन जी शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू पापा, थैंक यू सौरभ, नीरज थैंक यू सो मच, दुर्गेश जी शुक्रिया, नायक जी शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं फिर इसी समय पे, तो विदा चाहेंगे आपसे, अच्छे से रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो, बाय।